कराची में कातिल डोर के वार जारी हैं। 2 साल मूसा काशान जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गया। हालत तश्वीशनाक होने पर बच्चे को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। कराची पुलिस चीफ का नोटिस, पतंग उड़ाने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट। पतंगबाजी का खूनी खेल कराची में गर्दनें काटने लगा। गुलशन शमी में पतंग की डोर से 2 साल बच्चे की गर्दन कट गई। मूसा मोटरसाइकिल पर सवार था, डोर से वालिद काशान का हाथ भी कटा। अहले खाना के मुताबिक वाकया जुमे को पेश आया। मूसा निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर मसनूई सांसें ले रहा है। कराची पुलिस चीफ ने नोटिस लेकर पतंगबाजी करने और पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। हमें एडिशनल जी कराची की तरफ से डायरेक्शन मिली हुई है कि इसके ऊपर क्रैक डाउन करें, तो तमाम पुलिस अफसरान को मैसेज पास किया हुआ है। जहाँ भी कोई इस किस्म की डोर और ये पतंग वाले, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। गुज़श्ता रोज मलीर और शाह फैसल में भी पतंग की डोर फिरने से 2 अफराद जख्मी हुए थे। शाहनवाज कादरी, समा, कराची।